वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इंडियन ब्लॉगर पूजा। आज मैं आप लोगों के लिए एक नॉर्मल टॉपिक को लेकर आई हूँ, वो है आपको टमी टाइम। टमी टाइम मोस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है छोटे बच्चों के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका बेबी न्यूली बॉर्न है तो वो मतलब उसको उल्टी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, आजकल किसी किसी बच्चे को उल्टी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। सो टमी टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। टमी टाइम आपको अपने बच्चे को देना ही देना है, जिससे बच्चा का आप जो उसको फीड करवाते हैं, जो बच्चा दूध लेता है उसको वो अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। तो आज मैं इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करूँगी। सो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूले, जिससे आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो आपको टमी टाइम के बारे में मैं बात करी थी। टमी टाइम आपको देना बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा जो फीड करता है उसको वो डाइजेस्ट करे, तो जब तक उसे बर्प नहीं आएगा, डकार वो नहीं लेगा, तब तक वो उसका दूध डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आपको जस्ट उसको दूध पिलाने के बाद आपको उसको डकार दिलाना ही दिलाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी बेटी को मतलब दूध पिलाने से जब तक मैं तो बहुत देर तक उसको लेकर ठोक रही हूँ, आराम से पीठ में सहला रही हूँ, मैं उसको ये करती ही करती थी जब तक वो नहीं लेती थी। मेरे हस्बैंड बोलते थे छोड़ दीजिए, बहुत देर से नहीं ले रही, नहीं लेगी। हमने नहीं, वो नहीं लेगी तो वॉमिटिंग कर देगी, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता बच्चे को दूध। तो हाँ, ऐसा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात में आपने दूध पिलाया बहुत, अगर नहीं हो ली तो जस्ट कुछ देर छोड़ दीजिए, उसका फिर से आप ट्राई कीजिए, वो बच्चा डकार ले लेता है। अगर वो डकार नहीं ले रहा है तो जैसे कि क्या होता है, मोस्टली रात में बच्चे को आप दूध पिलाइए, नींद में बच्चा दूध पी लेगा तो वो डकार लेना नहीं चाहता, वो नहीं लेता डकार बच्चा नींद में, तो दूध नहीं लेगा। देन फिर भी आप अपना कुछ देर आराम से सहलाइए, सो उससे उसका क्या होगा कि वो डकार उसको बच्चे को आ जाएगा, या फिर नहीं भी आएगा तो दूध जो है वो उसका पेट में अच्छे से जाके सेट हो जाता है, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। सो गाइज मैं आप लोगों को आज ये बताना चाह रही थी कि टमी टाइम क्या है। टमी टाइम आपको मतलब बच्चे को पेट के बल आपको बच्चे को लेटाना है, इट्स कॉल्ड टमी टाइम। तो आपका अगर छोटा बच्चा है उसको आपको टमी टाइम करवाना है, आप जब एकदम छोटा है, बहुत ही छोटा बच्चा है, सो आप उसको थोड़ा थोड़ा देर के लिए टमी टाइम कराइए, कुछ सेकेंड्स के लिए कराइए, बट कराइए। टमी टाइम इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर बेबीज़, तो आपको ये कराना पड़ता है क्योंकि उससे बच्चे का बर्प्स आते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है। तो आप कुछ सेकेंड्स के लिए टमी टाइम कराइए। अगर वो भी नहीं होता है, अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप उसको अच्छे से बेड पे लेटा कर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, उससे खेलिए, बात कीजिए, तो बच्चा कुछ देर रह जाता है। और क्या होता है टमी टाइम का भी क्या होता है, टाइमिंग आपको बढ़ाते रहना पड़ेगा एंड दिन भर में कभी दो बार, कभी तीन बार, चार बार, पांच बार करके आप उसको करवाते रहिए। उससे आप देखिएगा कि आपको बच्चे को रिलीफ मिलेगा। हाँ बेटा, मम्मा सुन ली, हो गया, मम्मी सुन ली, वो पूरा बस। तो आपको ये टमी टाइम करवाने का प्रोसेस है, आपको अपने बच्चे को टमी टाइम करवाना है। पापा से बात करो बेटा, पापा से टमी टाइम आपको अपने बच्चे को कराना है। सो आप देख लीजिए कि बच्चा अगर कुछ देर में सो आपको टमी टाइम का टाइमिंग बढ़ाते रहना है। आपको मैं जैसे क्या, अपनी बेटी बहुत छोटी थी ना, मैं टमी टाइम का सबको बोलते थे क्या क्यों टमी टाइम, इतना छोटा बच्चा को तुम पेट पुरिया कैसे कर दी, बट करना पड़ता है बच्चे का दूध डाइजेस्ट होने के लिए। और आपको अगर बच्चा को क्या होता है कि छोटा बच्चा तो अपना सर नहीं उठा पाएगा, वो बार बार उसका फेस नाक उसका बेड पे लगता है, तो आपको क्या करना है कि उसको आपको लेटा पिलो रख दीजिए, एक पिलो के ऊपर उसका हाथ रखने के बाद, बच्चे को अच्छे से हाथ रखने के बाद उसके बाद उसके बॉडी को बेड पे रखिए, तो उससे क्या होगा बच्चे को सहारा मिलेगा, वो कुछ देर तक रहेगा। जस्ट आपको जैसे भी लगता है कि बच्चे को टमी टाइम आप दे सकते हैं दीजिए, नहीं होता है तो आप उसको जब वो बच्चा सो रहा है तो उसको अपने गोद में लेकर आराम से उसको पेट के बल लेटा दीजिए। टमी टाइम क्या होता है, बच्चे को आप बैठा कर मतलब अपने थाई पर अच्छे से बैठा लीजिए एंड पकड़ के भी, कभी कभी बच्चा का सर इधर है, बॉडी पीठ इस तरफ है एंड आप उसको अच्छे से धीरे 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 बैठा कर भी सहला सकते हैं। आपको मैं यही बोलूँगी टमी टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको कराना ही कराना है, जैसे भी करवा सकते करवाइए, कुछ सेकेंड्स के लिए कराइए। बेबी आपका कितना बड़ा है उस पर भी डिपेंड करता है, छोटा बच्चा है तो उसको कुछ सेकेंड के लिए कराइए, न्यूली बॉर्न बेबी है तो कुछ सेकेंड्स के लिए कराइए, बट कराइए। और वो कुछ सेकेंड्स के लिए दिन भर में तीन बार, चार बार, पाँच बार, दस बार करवा दीजिए। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसका टमी टाइम का टाइमिंग बढ़ाते जाइए,
एंड कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बच्चा वोमिटिंग वगैरह ऐसे भी नॉर्मली भी बच्चे कर लेते हैं, बट इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। एंड बर्ब्स दिलवाना, डकार दिलवाना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो आपको करना ही करना है। बस इतना ही है, टमी टाइम का कोई हेडेक नहीं है कि टमी टाइम में सब ज़्यादा प्रॉब्लम होता है गाइज। सो अपने बच्चे को टमी टाइम करवाइए, आपके बच्चे का दूध अच्छे से डाइजेस्ट होगा, वोमिटिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, गैस वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो गाइज बस इतना ही है मेरे पास इन्फॉर्मेशन टमी टाइम के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया। कुछ नहीं है, सिंपली आपको टमी टाइम करवाना है। एंड अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो यही है टमी टाइम, इसी को कहते हैं, इसी को करवाइए। सो गाइज बाय।